नमस्कार। 21 दिसंबर का द हिंदू एडिटोरियल न्यूज़पेपर एनालिसिस शुरू करने से पहले एक अनाउंसमेंट है। सरकारी जॉब न्यूज़ के वीडियोस पर कमेंट और लाइक करने पर आप जीत सकते हैं ईयरबुक 2018। 15 जनवरी को इसका रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा, तो फटाफट लाइक और कमेंट कर दें। पहले आर्टिकल का हेडिंग है क्लीन अप। देश में 1800 कानूनों को पिछले 3 साल में ख़त्म किया गया है। ये कानून पुराने और अनुपयोगी हो गए थे, लेकिन फिर भी कानून की किताबों में मौजूद थे। इनमें से 235 ऐसे कानून थे जो आउटडेटेड हो गए थे। इनमें से कई तो देश की आज़ादी के पहले के भी ऑर्डिनेंस थे। दरअसल आर्टिकल में उदाहरण के तौर पर बताया गया है कि एक कानून था प्रिवेंशन ऑफ सेडेशन मीटिंग्स एक्ट 1911। यह कानून अंग्रेजी हुकूमत ने जनतांत्रिक भावनाओं को दबाने के लिए बनाया था। आज़ादी से पहले जो कानून बनते थे उसे वायसराय काउंसिल बनाती थी। वायसराय ऑर्डिनेंस पारित करके भी एक्ट बना लेते थे। इस काउंसिल में अंग्रेज और भारतीय शामिल होते थे। कई तो ऐसे ऑर्डिनेंस थे जो किसी घटना पर पूरे के पूरे समूह या गांव या कस्बे पर दंडात्मक फाइन का प्रावधान था। यहाँ तक एक कानून था ड्रामेटिक परफॉर्मेंस एक्ट, मतलब नाटक किस तरह के किए जाएं और किस तरह के नहीं किए जाएं, इस पर भी कानून बना हुआ था। आज़ादी के बाद बना एक कानून प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950, मतलब संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर लेना, इसे भी अब ख़त्म कर दिया गया है। ये सारी जो कार्रवाई हुई है सरकार द्वारा, ये लॉ कमीशन की रिपोर्ट के बाद हुआ है। 1800 कानूनों को ख़त्म कर दिया गया है। सवाल है कि आखिर कानूनों को ख़त्म करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? अब तक ये वैसे भी कानून इसका सवाल है कि आखिर कानूनों को ख़त्म करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि वैसे भी ये कानून की किताबों में थे और उसका कोई यूज़ तो हो नहीं रहा था। इसका जवाब है कि कभी भी कोई सरकार इसे लागू कर सकती थी और इससे आम लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता था। लेखक का कहना है कि कानूनों को ख़त्म करने की कार्रवाई आसान नहीं है। कई कानूनों को ख़त्म करने के लिए विधेयक को राज्यों से भी पास करवाना होगा। तो लेखक का सुझाव है कि इसके लिए परमानेंट कमीशन बना दिया जाना चाहिए। अगला आर्टिकल यूएस की न्यू नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी पर है। हेडिंग है वेट एंड वॉच। आर्टिकल में कहा गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले मंडे को जो न्यू नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी अनाउंस की है उस पर वेट एंड वॉच की स्थिति इंडिया को बनाए रखनी चाहिए। तो मैंने कल द हिंदू एनालिसिस में इस स्ट्रेटजी के बारे में विस्तार से बताया था, इसे एक बार फिर बता देता हूँ। अमेरिका ने अपनी स्ट्रेटजी में चीन, रूस और इस्लामिक शक्तियों को खतरा बताया है, जबकि इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया को साथ मिलकर अमेरिका डिफेंस पार्टनरशिप को मजबूत करेगा। अमेरिका पाकिस्तान पर दबाव डालेगा कि आतंकवाद को ख़त्म करे, क्योंकि वहां मिलिटेंट यानी आतंकवादी को सपोर्ट करके साझेदारी नहीं की जा सकती। इस स्ट्रेटजी में बताया गया है कि चीन का प्रभाव एशियाई क्षेत्रों और अन्य जगहों पर बढ़ रहा है। तो 68 पेज के यूएस स्ट्रेटजी में कहा गया है कि रूस से परमाणु खतरा है, तो इसकी प्रतिक्रिया भी हुई है। चीन ने कहा है कि कोल्ड वॉर के समय जो मेंटेलिटी थी उसी में अमेरिका भी जी रहा है, उसे इससे निकलना चाहिए। चीन और रूस ने मिलकर डोनाल्ड ट्रंप की स्ट्रेटजी की निंदा की है, साथ में यूनाइटेड नेशन से भी दखल की अपील की है। इसी स्ट्रेटजी पर पूरा आर्टिकल है और इसमें कहा गया है कि भारत को संभल कर रहना है, क्योंकि अमेरिका दो तरफा नीति चला रहा है। अमेरिका चीन और दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंध मजबूत कर रहा है। एक तरफ तो अमेरिकी कंपनियों का बड़ा बिजनेस चीन में है, अमेरिका का व्यापार घाटा चीन के साथ काफ़ी ज़्यादा है भारत की तुलना में, लेकिन फिर भी वो अपना संबंध बनाए हुए हैं। एक तरफ ट्रंप अपने सिक्योरिटी स्ट्रेटजी में आतंकवादियों के समर्थन का आरोप लगाकर पाकिस्तान के साथ साझेदारी नहीं करने की बात कर रहे हैं, तो दूसरी ओर एक्चुअली पाक को मिलने वाला जो एंटी टेरर फंड है उसे समाप्त नहीं किया जा रहा है, मतलब अमेरिका केवल बातें बना रहा है। यहाँ पर पेरिस एग्रीमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज से भी अमेरिका भाग रहा है, जिससे भारत को आर्थिक मदद मिलनी थी। इसराइल, फिलिस्तीन, नॉर्थ कोरिया, ईरान को लेकर जो अमेरिकी नीति है वह भारत के हित में नहीं है, इसलिए भारत को अमेरिका का पिछलग्गू बनने की अभी ज़रूरत नहीं है, वरना क्या होगा कि कई तरह की समस्याएँ भारत के लिए पैदा हो जाएंगी। इस मामले में सरकार को काफ़ी गहराई से विचार करना होगा, ये लेखक ने अपना सुझाव दिया है। एडिटोरियल पेज का अगला आर्टिकल पॉलिटिक्स पे है, जो यूपीएससी, एसएससी, बैंक या किसी अन्य एग्ज़ाम के लिए उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, फिर भी संक्षेप में बता देता हूँ। आर्टिकल में कहा गया है कि बीजेपी महसूस कर रही है कि भारत के वोटर किसी मुद्दे पर तुरंत रिएक्ट तो करते हैं, लेकिन उनका मन धीरे धीरे बदलता है।
इलेक्शन के दौरान लोगों का समर्थन और विरोध का पता चल जाता है, लेकिन लोग वोट किसको देंगे इसका थोड़ा सा बदलने में टाइम लगता है। और गुजरात चुनाव से बीजेपी ने सबक लिया होगा। अब छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। अगला एडिटोरियल है वेटलैंड पर। आप तो जानते ही होंगे कि वेटलैंड क्या होता है, फिर भी बता दूं कि झील के पानी के बीच में छोटे छोटे हिस्से जो साल के कुछ वक्त पानी में डूबे होते हैं, लेकिन कुछ वक्त वो पानी से ऊपर भी रहते हैं ताकि पक्षी बैठ सकें और जैव विविधता हो सके, पौधे पनप सकें। तो आर्टिकल में कहा गया है कि साल के शुरुआत में ही उत्तराखंड हाईकोर्ट ने गंगा और यमुना को जीवित प्राणी का दर्जा दिया था। इसकी वजह से देश का ध्यान नदी और इसके इकोलॉजी और वेटलैंड पर गया था। और सुप्रीम कोर्ट ने इस साल के शुरुआत में ही कहा था कि वेटलैंड को आइडेंटिफाई किया जाए और इसे संरक्षित किया जाए। लेकिन केंद्र सरकार ने जो 2010 का बहुत कड़ा कानून था, इसको हटाकर वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स 2017 लेकर आई है। अब इस कानून की काफ़ी आलोचना हो रही है क्योंकि इस रूल्स में बहुत सारे महत्वपूर्ण जो वेटलैंड थे उसको हटा दिया गया है। एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वेटलैंड को आइडेंटिफाई करो, सुरक्षित रखो, लेकिन फिर नया रूल बना दिया गया जो स्ट्रांग मॉनिटरिंग सिस्टम था उसी को कमज़ोर कर दिया गया। आर्टिकल में उदाहरण देते हुए बताया गया है कि उड़ीसा के चिल्का झील में जो वेटलैंड है उसका इकोलॉजिकल कैरेक्टर को कायम रखना जरूरी है, और जो पुलकित झील जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में है, इसमें मीठा और नमकीन पानी का मिक्सचर है, इसको उसी तरह बनाए रखा जाना चाहिए। तो नदियों के बीच में और अगल बगल जो वेटलैंड होते हैं उसे भी सुरक्षित रखा जाना चाहिए। और 2010 के रूल्स में स्पष्ट क्राइटेरिया बनाया गया था कि प्राकृतिक सौंदर्य, इकोलॉजिकल सेंसिटिविटी, जेनेटिकल डाइवर्सिटी और हिस्टोरिकल वैल्यू को बरकरार रखा जाएगा, लेकिन 2017 के रूल्स में ऐसा कुछ भी नहीं है। अब सवाल है कि ऐसा क्यों हुआ है? तो वेटलैंड और इसके आसपास के इलाकों में कंस्ट्रक्शन बढ़ रहा है, ऐसे में लॉबी है जो चाहती है कि निर्माण हो, पिकनिक स्पॉट बने, होटल खोले जाएं। माना जा रहा है कि इस लॉबी के दबाव में कानून को बदला गया है। नए कानून की वजह से वेटलैंड की सुरक्षा पर संदेह पैदा हो रहा है। अब द हिंदू के एडिटोरियल के अगले पेज पर चलते हैं। और पहला आर्टिकल भी वो पॉलिटिक्स से जुड़ा है। इसमें गुजरात पॉलिटिक्स पर चर्चा की गई है और जिग्नेश मेवानी, हार्दिक पटेल और अल्पेश ठाकोर को लेकर चर्चा है कि सामाजिक परिवर्तन और अपने हक की आवाज़ तो उठाई, लेकिन यह भी साबित हो गया कि वे चुनाव के परिणाम को प्रभावित कर सकते हैं, और इसमें अगर बीजेपी हार जाती तो राजनीतिक भूचाल आ जाता। यह आर्टिकल कंपटीशन एग्जाम्स के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आर्टिकल है द फाइनेंस रिजोल्यूशन एंड डिपॉजिट इंश्योरेंस बिल पर। इसके बारे में पहले भी द हिंदू में आर्टिकल आ चुका है। लेखक का कहना है कि लोग बैंक में विश्वास के आधार पर रुपए जमा कराते हैं। इस नए बिल के तहत बैंकों को डूबने की स्थिति से बचने के लिए रिजोल्यूशन कॉरपोरेशन का गठन किया जाएगा, और बैंकों को डूबने की स्थिति में जो बैंकों के पास जो जमा धन है उसी का इस्तेमाल किया जाएगा उबरने के लिए। यह बिल जो है वो कॉरपोरेशन को, जो नया कॉरपोरेशन बनेगा उसको यह भी अधिकार देगा कि हर जमाकर्ता का धन कितना इंश्योर किया जाए वो वही तय करे। तो जो नया बिल आ रहा है इसके प्रावधानों को पढ़ने से साफ होता है कि रिजोल्यूशन कॉरपोरेशन जो बनना है वो बैंकों को डूबने से बचाएगा या नहीं, यह कहना सही नहीं है। आर्टिकल में कहा गया है कि रेगुलर बिजनेस का जो दिवालिया कानून है वो बैंकों पर लागू नहीं होना चाहिए। लेखक ने कहा है कि यूरोपीय यूनियन का जो मैकेनिज्म एम्पावर्ड अथॉरिटी है, वहाँ बैंकों में जमा की गई रकम को लेकर एक तरह की गारंटी है। यूरोप में कानून बने हुए हैं ताकि लोगों के पैसे न डूबें, लेकिन इंडिया में नए बिल लाकर खाताधारकों को पूरी गारंटी दिए बिना ही रेगुलेटर यानी कॉरपोरेशन को बनाया बनाए जाने की प्रक्रिया चल रही है। तो आर्टिकल में कहा गया है कि चिंता इस वजह से भी है कि इस वक्त जो बैंकों की हालत है वो पता नहीं कि कौन से डूब जाएं, क्योंकि बैंकों पर बहुत सारा बैड लोन है, एनपीए है, ऐसे में खतरा पैदा हो गया है। सरकार तो कह रही है कि लोगों के पैसे बैंक में सुरक्षित रखने के लिए कानून बनाए जा रहे हैं, ऐसी स्थिति में खतरा हो गया है, लेकिन सरकार कह रही है कि लोगों के पैसे की सुरक्षा के लिए कानून लाया गया है और खाताधारकों के लिए प्रोविजन किया गया है कि जब बैंक जब डूबेगा तो उनको कंपनसेशन दिया जाएगा, लेकिन कितना कंपनसेशन मिलेगा इसका कोई जिक्र नहीं है। मतलब नया जो बिल है उसमें कोई गारंटी नहीं है कि खाताधारकों का रुपया सुरक्षित रहेगा। अगला आर्टिकल इंडियन फिजिसिस्ट रवि कुची मंची को लेकर है। ये रवि वही हैं जिन पर स्वदेश फिल्म बनी थी।
जिसमें शाहरुख खान ने मुख्य भूमिका निभाई थी और बहुत चर्चित रही। आर्टिकल में बताया गया कि 118 साल पुराने अमेरिकन फिजिकल सोसाइटी, जो कि दुनिया के बड़े फिजिसिस्ट का ग्रुप माना जाता है, सोसाइटी ने इस बार उन्हें आंद्रेई सखारोव प्राइज के लिए चुना है। ईरान के फिजिसिस्ट नागेश मोहम्मदी को भी चुना गया है, जो इस वक्त ईरान की जेल में है। पहला सवाल है कि जिनके नाम पे यह प्राइज दिया जा रहा है वो कौन है? तो जवाब है नोबेल प्राइज विजेता आंद्रेई सखारोव, तत्कालीन सोवियत रूस के न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे। उन्होंने मानवाधिकार को लेकर आवाज़ उठाई थी और इसी वजह से सोवियत यूनियन से प्रताड़ना झेलनी पड़ी थी। आंद्रेई सखारोव के नाम पर अमेरिकन फिजिकल सोसाइटी ऐसे फिजिसिस्ट को प्राइज देता है जिनका मानवीय योगदान भी हो। आर्टिकल में कहा गया है कि यूएस के यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड से पीएचडी कर चुके फिजिसिस्ट रवि कुचिमंची इंडिया डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं। उनका एसोसिएशन फॉर इंडियाज डेवलपमेंट अद्भुत संगठन है, जो साल में $2 मिलियन जुटाता है और उसके साथ हजार वॉलेंटियर काम करते हैं। यह संगठन सामाजिक न्याय, ह्यूमन राइट्स इशू को सपोर्ट करता है, लेकिन भारत में बहुत कम लोग हैं इनको जानते हैं। हम आप भी शायद नहीं जानते होंगे और स्वदेश फिल्म देखकर हम लोग भूल भी चुके हैं। तो ये आर्टिकल कहता है कि शाहरुख खान की फिल्म स्वदेश उसी फिल्म पर आधारित थी। उन्होंने इंडिया में ग्रास रूट विकास पर ज़्यादा फोकस किया, लेकिन उन्होंने जो काम किए वो सब सरदार सरोवर बांध के कारण डूब गए, मतलब कि डूब हिस्से में चले गए। तो ये प्राइज़ इंपॉर्टेंट है और इसको आप ध्यान में रखिएगा, हो सके तो नोट भी कर लीजिए। हाँ, एक और बात कि आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि बड़ी मेहनत हुई है इसको बनाने में। अब चलते हैं न्यूज़ एनालिसिस की ओर। पेज 1 पर इनकम टैक्स से जुड़ी हुई एक खबर है। इसमें है कि 2011-12 की तुलना में 2014-15 में जो 5 करोड़ से ज़्यादा के इनकम टैक्स रिटर्न जमा करने वालों की संख्या थी, उसमें 40.8% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि 5 लाख से कम का रिटर्न दाखिल करने वालों की बढ़ोतरी मात्र 27% है। इसमें आगे बताया गया है कि वर्ष 2011-12 में 5 लाख से कम रिटर्न फाइल करने वालों का आंकड़ा कुल इनकम टैक्स रिटर्न का 80.7% हुआ करता था, अब यह घटकर 72.8% रह गया है। मतलब यह असमान विकास का संकेत है। अगली खबर है, राज्यसभा में सरकार ने कहा है कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 35A और 370 को हटाने का कोई प्लान नहीं है। राजस्थान में 5,000 सरकारी डॉक्टर हड़ताल पर हैं, पूरा वहाँ का मेडिकल सिस्टम जो है ठप होने को है। आर्मी के डॉक्टर लगाए हुए हैं, स्वाइन फ्लू फैला हुआ है वहाँ इस समय, इसलिए बहुत कठिन वक्त है। अगली खबर है, कृषि को लेकर स्पेस से, मतलब सेटेलाइट से जो आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं उस पर सवाल उठते रहे हैं, मतलब कितनी कृषि हुई और कितना पैदावार हुआ ये स्पेस से ही पता चल जाता था। तो अब इसको क्रॉस चेक किया जाएगा, ग्राउंड लेवल पर इसके लिए सर्वे करवाया जा रहा है। आगे है, पंजाब सरकार की कैबिनेट ने 1 जनवरी 2018 से भटिंडा और रोपड़ के छोटे और इनअफिशियंट पावर प्लांट को बंद करने का फैसला लिया है, और कैबिनेट ने और भी डिसीजन लिया है। पॉल्यूशन को लेकर कैबिनेट ने एक डायरेक्टरेट ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज बनाने का फैसला किया है। आपको मालूम होगा कि परती जलाने की वजह से उत्तर भारत में प्रदूषण काफ़ी बढ़ जाता है, और इसी वजह से ये पूरा फैसला लिया गया है। एक और ऑर्डिनेंस जारी करने का फैसला हुआ है, पंजाब राइट टू सर्विसेज एक्ट 2011 में बदलाव किया जा रहा है। इसके तहत डिजिटल माध्यम से भी सर्विसेज को टाइम बाउंड कर दिया गया है। अगली खबर है, अकाली दल के प्रतिनिधिमंडल ने पाकिस्तान हाई कमिश्नर से मुलाकात की और पाकिस्तान में सिखों के जबरन धर्म परिवर्तन को लेकर कार्रवाई करने को कहा गया है। आगे है, अफगानिस्तान की सेना के लिए भारत ने लड़ाकू हेलीकॉप्टर खरीदने का फैसला लिया है। ये हेलीकॉप्टर सेकेंड हैंड रशियन MI-35 हेलीकॉप्टर होंगे, जो अफगान नेशनल सिक्योरिटी फोर्सेज को दिए जाएंगे। आगे है, पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव की माँ और पत्नी को वीजा जारी कर दिया है, यह अंतर्राष्ट्रीय दबाव पड़ने के बाद किया गया है। श्रीलंका चाहता है कि वह आधार की तरह एक सिस्टम अपने यहाँ लागू करे, इसके लिए उसने भारत से कांटेक्ट किया है। भारत की तरफ से इसमें इन्वेस्टमेंट होने की उम्मीद है। अमेरिका ने लीथल वायरस यानी खतरनाक वायरस को डेवलप करने पर फंड बैन का जो प्रावधान था उसको हटा लिया है, और माना जा रहा है कि इस तरह के वायरस के लीक होने पर भारी नुकसान पहुंच सकता है,
और इसी वजह से इसकी फंडिंग बैन थी, लेकिन अब बैन हटा लिया गया है और लीथल वायरस को डेवलप किया जा सकता है। तो ये था 21 दिसंबर का द हिंदू एनालिसिस, इसे शेयर ज़रूर करें ताकि दोस्तों को भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में सहूलियत हो। थैंक्स।